45 कुकिंग टिप्स जो आपको मास्टर शेफ बना सकती हैं। नंबर एक, मटर पनीर की सब्जी बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा दूध जरूर डालें, इससे सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। नंबर दो, आलू उबालते समय आलू में चुटकी भर हल्दी डालें, इससे आलू बहुत जल्दी उबल जाएंगे। नंबर तीन, इडली डोसे के बैटर बचने पर उसमें खाने का पान डाल दें, इससे बैटर ज़्यादा खट्टा नहीं होगा। नंबर चार, कोई भी सब्जी के लिए मसाला पीसते समय मसालों में ज़्यादा पानी ना डालें, इससे सब्जी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती। नंबर पाँच, सब्जी या फलों को 4-5 घंटा पहले काट कर ना रखें, इससे सब्जी या फलों से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। नंबर छः, तंदूरी रोटी बनाते वक्त आटे में थोड़ा सा दही डालें और हल्का गर्म पानी से आटा गूंदें, इससे तंदूरी रोटी मुलायम और कुरकुरी बनती है। नंबर सात, दारू चाय कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने से हृदय रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। नंबर आठ, ज़्यादा पके हुए टमाटर को रात भर नमक वाले पानी में डालकर रखने से टमाटर कड़क हो जाते हैं। नंबर नौ, यदि घर में टमाटर ना हो तो सब्जी में टमाटो केचप या टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। नंबर दस, कोई भी ग्रेवी बनाते वक्त ग्रेवी को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए तेल के बजाय घी का इस्तेमाल करें। नंबर ग्यारह, अंडे को उबालते समय अंडे में थोड़ा सा नमक या सिरका ज़रूर डालें, इससे अंडे जल्दी उबल जाते हैं। नंबर 12, घी में थोड़ा सा अजवाइन डालकर गरम करने से घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। नंबर 13, सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए प्याज भूनते वक्त इसमें 1 चम्मच बेसन डालकर भूनें, इससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी होगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। नंबर 14, नूडल्स को उबालते समय पानी में थोड़ा सा नमक और तेल मिलाएं और उबालने के बाद छलनी से छानकर ठंडे पानी से धोने से नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले दिखाई देंगे। नंबर 15, दिन में एक बार दालचीनी और अदरक की चाय पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, कफ को ख़त्म करता है और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। नंबर 16, तेज पत्ता और थोड़ा सा नमक पानी में डालकर उबाल लें, अब इसे उन जगहों पर स्प्रे कर दें जहाँ चींटियाँ नज़र आ रही हैं। नंबर 17, रोज़ मौसमी का जूस पीने से रक्त संचार सही ढंग से होता है। मौसमी का जूस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। नंबर 18, यदि आप थोड़े कम पके अमरूद को बीच में से काटकर उस पर नमक लगाकर आग में पकाकर खाते हैं तो इससे पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 19, बार बार उल्टी होने पर बर्फ़ चूसने से उल्टी होना बंद हो जाती है। हैजा की उल्टियां में भी यह प्रयोग लाभदायक है। नंबर 20, भिंडी की सब्जी बनाते समय उसे काटने के बाद थोड़ा नींबू निचोड़ दें तो उसका चिकनापन दूर होगा और सब्जी कुरकुरी बनेगी। नंबर 21, एक ग्लास अंगूर के जूस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से खून की कमी दूर हो जाती है। नंबर 22, नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं या फिर सलाद में रस निचोड़कर खाएं, ऐसा करने से यह हमारे शरीर की गंदगी को साफ कर देता है। नंबर 23, बादाम सौंफ और मिश्री को समान मात्रा में पीस लें, रोज़ रात को और दोपहर में खाने के बाद इसका सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। नंबर 24, यदि खाना बनाते वक्त सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो सब्जी में थोड़ा सा क्रीम या दूध डाल दें, इससे सब्जी में नमक की मात्रा कम हो जाएगी। नंबर 25, प्याज की प्यूरी बनाते समय थोड़ा सा पिसा हुआ पनीर मिला दें, इसका स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर 26, दाल मोठ बनाने के लिए दाल भिगोते समय 1 कप दूध मिला दें, दाल फूली हुई एवं खस्ता बनेगी। नंबर 27, यदि सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो 1 टुकड़ा आलू छीलकर काटकर डाल दें और सब्जी को थोड़ा सा गर्म करें तो सब्जी में नमक की मात्रा कम हो जाती है। नंबर 28, अंडे को उबालते समय अंडे में थोड़ा नमक या सिरका डालें, इससे अंडा अच्छी तरह और जल्दी उबल जाएगा।
नंबर 29, अगर चीनी के अंदर बहुत सी चींटियां हों तो वह आसानी से बाहर निकालने के लिए उसमें एक टुकड़ा कपूर डाल दें, इससे चींटियां आसानी से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 30, प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए चावल पकाने, सब्जी उबालने, दाल बनाने आदि के लिए कुकर का इस्तेमाल करें, इससे आपका समय और गैस दोनों ही बचत होगी। नंबर 31, सब्जियों को काटने के लिए पीलर का इस्तेमाल करें, ना कि चाकू का, इससे सब्जियों को छीलने में लगने वाला समय आधा कर सकते हैं। नंबर 32, ड्राई फ्रूट को एक डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रखें, इससे आपके ड्राई फ्रूट लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। नंबर 33, जब भी आप कोई भी सब्जी या दाल बनाते हैं तब उसमें 1/4 छोटा चम्मच चीनी डाल दें, इससे आपकी दाल और सब्जी का टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा। नंबर 34, बारिश के दिनों में दालों और चावलों में बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं, इसके लिए आप इसमें तेजपत्ता और खड़ी हल्दी डालकर रखेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे। नंबर 35, बादाम का छिलका आसानी से नहीं उतरता है तो उसे गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दें, छिलका तुरंत निकल जाएगा। नंबर 36, बेसन के लड्डू बनाते समय यदि उसमें थोड़ा सा मूंग दाल का आटा मिला देंगे तो लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। नंबर 37, बारिश में अक्सर नमक में नमी आ जाती है, इससे बचने के लिए नमक में कुछ दाने चावलों के डाल दें, इससे नमक में सीलन नहीं आएगी। नंबर 38, अगर फ्रिज में बदबू आ रही है तो एक नींबू लें और उसे बीच में से काटकर फ्रिज में अलग अलग ऊपर नीचे रख दें, बदबू गायब हो जाएगी। आलू को काटकर पानी में रखें और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, इससे आलू काले नहीं होंगे। नंबर 40, किचन में चींटियां दिखाई दें तो चींटियों वाली जगह पर थोड़ा सा आटा छिड़क दें, इससे चींटियां चली जाएंगी। नंबर 41, सब्जियों में मिर्च अधिक हो जाए या सब्जी तीखी हो जाए तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें, इससे सब्जी का तीखापन चला जाएगा। नंबर 42, दही जमाते समय यदि दूध में 1 छोटा टुकड़ा नारियल का मिला दिया जाए तो दही बढ़िया जमता है और 2-3 दिन तक फ्रेश रहता है। नंबर 43, अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें चम्मच गीला नहीं होना चाहिए, अचार निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। नंबर 44, ठंडा पानी लेकर उसमें नींबू डालें और नमक डालें, इसके बाद कटे टुकड़ों को इस पानी में डालकर निकाल लें, इससे आपके सेब के टुकड़े काले नहीं पड़ेंगे। नंबर 45, हरी मिर्च की डंडी तोड़कर फ्रिज में रखने से ज़्यादा समय तक ताज़ी रहती हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।